नमस्कार, मैं चांदनी और आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज। अपना अररिया न्यूज, एक नजर हर खबर। नमस्कार, मैं अनुराक्षरी और आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज। अररिया जिला पलासी प्रखंड अंतर्गत धर्मगंज पंचायत वार्ड नंबर 13 के मुखिया मिथिलेश कुमार मंडल से अपना अररिया न्यूज के संवाददाता आजाद आलम ने धर्मगंज में किए गए कार्यों को लेकर की खास बातचीत। आइए देखते हैं पूरी खबर। मिथिलेश कुमार मंडल, पंचायत कौन सा है? धर्मगंज, वार्ड नंबर 12। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आपके वर्तमान में कौन कौन सा योजना का कार्यालय पूरा हुआ आपके पंचायत में? 7 निश्चय का काम हुआ जी। उसके बाद ये मनरेगा के तहत प्लांटेशन का काम हुआ जी। 7 निश्चय में क्या क्या काम हुआ? 13 वार्ड में जो है रोड बना, कुछ कुछ जगह में नाली बना, नाली जहाँ जरूरी था वहाँ नाली बना जी। 13 वार्ड में जो आप रोड बनाया, फेवर ब्लॉक वाला जो बना, कितना बना? फेवर ब्लॉक वाला रोड अभी 2 बना है, 2, बाकी पीसीसी ढलाई, पीसीसी ढलाई है जी। तो आपका जो 13 वार्ड में कार्यालय पूरा हो गया लमसम? नहीं, अभी पूरा नहीं जी। कितना बाकी है? अभी 7-8 योजना बाकी है और आगे से कुछ योजना राशि बचा हुआ है। फिर जल नल वाला योजना कहाँ तक कार्य? जल नल वाला योजना हमारे यहाँ 13 वार्ड में जो है बोरिंग का काम हो गया है, अभी पानी चालू नहीं हुआ जी। प्रधानमंत्री आवास कितना आपके रीजन में? प्रधानमंत्री आवास हमारे रीजन में लमसम 400 के लगभग में दिया गया। तो इसमें कुछ जनता का सुनना है कि किसी का आरोप है कि मेंबर द्वारा कुछ पैसा लिया जाता है, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, मेंबर नहीं लिया है पैसा, आवास सहायक काम के एवज में कुछ लिया है, ये बात तो मेंबर के द्वारा दिया गया है ये काम? नहीं, मेंबर के द्वारा नहीं लिया जी, आवास सहायक, आवास सहायक डायरेक्ट लिया। क्या नाम है आवास सहायक का? आवास सहायक पहले था विवेक कुमार, अभी है उपेंद्र कुमार। उपेंद्र कुमार, तो उपेंद्र कुमार के रीजन में कितना प्रधानमंत्री आवास दिया है? उपेंद्र के रीजन में कम हुआ है, इसलिए वो 1 महीना से प्रभार में है, उससे पहले विवेक कुमार जी। जी, विवेक कुमार जी थे। तो बाकी आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पंचायत में कोरोना वायरस के महामारी में लॉकडाउन के वास्ते में आपने क्या क्या सुरक्षा दी अपने जनताओं को, किस तरह कहने का ये मास्क वगैरह क्या क्या वितरण किए? लॉकडाउन के समय में सबसे पहले बार जब जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ था, हम लोग अपना पंचायत में कैंपिंग किए। कैंपिंग करने के बाद जनता में जो है जागरूक फैलाए, उसके बाद सरकार का घोषणा से पूर्व में हम लोग अपना जहां तक हुआ वित्तीय सहायता वार्ड मेंबर मुखिया समस्त जन प्रतिनिधि मिल के जो संभव हुआ मास्क साबुन का वितरण किए। उनके बाद जब सरकार के द्वारा आदेश आया तो वार्ड वाइज लिस्ट बना के फिर 4 मास्क 1 साबुन का वितरण किया जी। आप अपने वार्ड अपने पंचायत में कितना लगभग साबुन और कितना मास्क कितना सैनिटाइजर है? ये सरकार के द्वारा जो प्रदत्त हुआ था तो हमारे यहाँ 4000 का वितरण हुआ है जी। और उससे पहले हम लोग जो सके किए जी। तो सैनिटाइजर वगैरह जो आया था ये लॉकडाउन के महामारी में, तो इनमें कितना का राशि आया था खर्च करने के लिए, उसके बारे में? इसमें कोई लिमिट नहीं था सर जी, इसमें लिमिट नहीं था। आपके पंचायत में कितना वोटर है उस हिसाब से आपको वितरण करना है जी। तो आपने तो कितना? हमारे यहाँ लगभग रखिए कि 8,500 का वोटर है जी, तो हम 4,000 का जो है वितरण किए जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ जो लॉकडाउन के महामारी में आपने जनता को सोशल डिस्टेंस के बारे में क्या आश्वासन दिया? सोशल डिस्टेंस के बारे में बताया कि ये जो कोरोना महामारी है, ये महामारी ये सूक्ष्म चीज है, इसको आप कहीं से भी नहीं देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला साधन है कि आपको सोशल डिस्टेंस में रहना है। सोशल डिस्टेंस में रह के आपको अपना जान, अपना परिवार का जान खुद को बचाना है। और बाकी मैं ये जानना चाहता हूँ आपके पंचायत में जो डीलर द्वारा माध्यम से जो अनाज दिया जाता है प्रधानमंत्री वाला, उसके बारे में क्या कहना? उसमें जनता का कुछ कहना है कि उसमें 5 किलो जो अनाज दिया जाता है उसमें कटौती करता है डीलर, जो फ्री वाला दिया जाता है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, डीलर सब उतना पारदर्शी नहीं है, डीलर में कुछ न कुछ कमी है, इस बात को हम भी मानते हैं और हम लोग सतत प्रयास करते हैं कि जनता को लाभ मिले। जहाँ तक संभव होता है हम लोग को लाभ दिलाने का काम करते हैं, लेकिन डीलर उतना पारदर्शी है ये बात हम नहीं कह सकेंगे, उतना पारदर्शी है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। अभी एक मुद्दा है कि बहुत आदमी का फिंगर नहीं होता जो हम, उसके लिए बीडीओ साहब को भी बताए,
बीडीओ साहब को अपना पंचायत भी लाए। पंचायत लाने के बाद जो सब लाभों को नहीं मिल रहा था, पब्लिक सबसे भी जो है कि बीडीओ साहब को कहवाए कि सर हम लोग को राशन पूर्व में मिलता था, अभी 2 महीना से नहीं मिल रहा है, टेंडर नहीं हो रहा है। बीडीओ साहब आश्वासन दिए कि ठीक है, इसका हम रिपोर्ट वपोर्ट करते हैं, इसका समाधान होगा। तो इसका कोई आश्वासन वीडियो साहब नहीं वीडियो साहब आश्वासन दिया क्या आश्वासन वीडियो साहब का कहना हुआ कि हम ऊपर रिपोर्ट करते हैं मुखिया जी और उसका समाधान होगा, राशन मिलेगा। ऊपर से कुछ आश्वासन अभी तक नहीं आया? अभी तो ये फिलहाल के ये घटने अभी तक नहीं आया जी। बाकी मैं ये जानना चाहता हूँ, जब जिसका फिंगर काम नहीं कर रहा है उसके डीलर के माध्यम से आधार कार्ड का फोटो कॉपी लेके उसके माल दे दिया जाता है, इस कारण से दे सकता है? फिंगर काम नहीं कर रहा, वो कार्ड धारी है, ठीक है, तो उनको आधार कार्ड का फोटो कॉपी डीलर अपने पास जमा करके उसको अनाज दे सकता है? क्या डीलर या डीलर आपके माध्यम से एमओ को एडीओ को क्या सूचना दिया या आपको ले जाके माध्यम से क्या जी डीओ और प्रमुख को सूचना दिया? नहीं, डीलर को सूचना नहीं दिया है, हम अपने स्तर से। आप अपने स्तर से? हम अपने स्तर से जनता हमारा ना है, जनता हमको कहने आता है, हमको जनता के लिए, हम जब जनता के लिए ये पद ग्रहण लिए हैं, ये पद भार लिए हैं, जनता हमको ये पद दिया है, जनता के लिए हमको लड़ना है जी। एक रोड आपका हमने देख रहे हैं अभी, ये डीलर फागू लाल के दरवाजे पे जो जा रहा है, वो कई नंबर वार्ड है? वो 12 नंबर वार्ड। उस रोड पे जो ईटा देखे थे वो कार्यालय जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, पूरा हो चुका है? नहीं, वो जहाँ तक है वहाँ तक पूरा है, बाकी बचा हुआ, बाकी बचा हुआ। उसमें ईटा कौन सा लगा आप ये बताइए, कई नंबर ईटा लगा है जो मैंने खुद देखा? वो तो पेवर ब्लॉक का है, पेवर ब्लॉक का जो साइड में ईटा दे रहा था नीचे, वो ईटा कौन सा लगा? ईटा वो लाल ईटा है, भट्टा वाला। भट्टा वाला कई नंबर ईटा है? वो देखिए 1.5 नंबर ईटा। 1.5 नंबर ईटा है। तो फेवर ब्लॉक में साइड में कौन सा मिट्टी यूज करने का ये है, बालू कौन सा बालू यूज करना है, कौन सा बालू यूज करना है? उसमें लोकल बालू यूज करना है नीचे में, ठीक है। और दोनों साइड का जो ये दोनों साइड जोड़िया करना है उसको आप बढ़िया बालू से जोड़िए, लाल बालू से। तो क्या लाल बालू से अथवा क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण आप? नहीं, सिल्लीगुड़ी बालू से हो रहा है। आपके पंचायत वार्ड नंबर, आपके पंचायत में हमने देखा है कुछ ऐसे ऐसे जगह सर्वेक्षण मुआयना किया है धर्मन पंचायत में, कि कहीं ये देखा गया कि दोनों साइड में जो लाल बालू यूज नहीं किया गया है। अभी 7 निश्चय योजना का जो पेवर ब्लॉक का काम है अभी ये तो यही रोड का हुआ है जी। बाकी अभी काम शुरुआत हुआ, बारिश हो गया और हम लोग का जमीन का लेवल डाउन है, बाढ़ पीड़ित के कारण काम नहीं कट हो नहीं गया है। अभी आज कल भी बाढ़ था हमारे ही घर में। अब अपना परिचय एक बार फिर बता दीजिए। मेरा नाम मिथिलेश कुमार मंडल, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राजभवन वार्ड नंबर 12। अपना अररिया न्यूज़ को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, शुक्रिया।